जय माता दी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इस अर्थ पर आए हैं परमात्मा जी की कृपा से। हम सबका कुछ न कुछ सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, तो आज की रीडिंग इसी के बेस में है। आप दोनों में से कोई भी जो कार्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंट्यूशन का प्रयोग कीजिएगा पूरी तरीके से, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं प्रेयर कीजिएगा और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप दोनों ही पाइल आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर प्राप्त होगा। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रिजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आप सुन सकते हैं, आपको इससे एक मतलब गाइडेंस प्राप्त होगा, एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य के किस तरीके से आप करीब जा सकते हैं, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल आप अच्छे से जूम करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड वन सेलेक्ट किया है उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को इसका ड्रीम मतलब कहीं ना कहीं आपको आ रहा है पिछले कुछ समय से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आपको संघर्ष करने के बाद, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मतलब आपके पास सब कुछ है, घर है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक अकेलापन, एक अलोननेस का फील होता है। कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको आसानी से नहीं प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके एंसिस्टर्स आपके साथ हैं और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार सीट हो सकते हैं। स्टार सीट के बारे में आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है, यहाँ पर मुझे यह नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। इसमें कोई ऐसी स्पिरिचुअल महिला है, ठीक है, जो आपका मार्गदर्शन करेंगी, और वो जो स्पिरिचुअल महिला है उनका यही एक लाइफ पर्पस है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अलग जो है ना एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। वो जो महिला है काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, और कहीं ना कहीं उनसे मिल के आपको ऐसा लगेगा कि घर जैसी फीलिंग। यहाँ पर होम का कार्ड मुझे ये बता रहा है, घर जैसी फीलिंग। आप उनसे अपनी बहुत सी बातें शेयर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक के रूप में, आप एक मेंटोर के रूप में आप समझ सकते हैं कि वो महिला आपको गाइड करेंगी, और उसके बाद आपको धीरे धीरे वन बाय वन आपका जो सोल पर्पस है वो आपको पता चलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका जो सोल पर्पस है, आप लोग देखिए कुछ जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं अभी कि आप लोग देख लीजिएगा जिससे भी रिजोनेट हो, या तो आप बचपन में या जब आप मतलब थोड़े चाइल्डहुड में थे तो आपको ये आदत था मतलब कि तारों को देखना, खुले आसमान के नीचे बैठना और वहाँ पर बैठकर अपने जो भी मतलब लव्ड वन है, जो भी चाहे वो दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे कोई भी, ठीक है, मतलब जो हमारे बहुत ज़्यादा करीबी होते उनसे आप बातें करते थे, उनसे आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते थे। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके माइंड में ये सारी चीज़ें अभी भी चलती है कि आप उस वक्त में कितने ज़्यादा मतलब आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। ये भाग दौड़ वाली यहाँ पर दिख रहा है ना कि एक बाधाएँ, एक संघर्ष, इसमें आप वो चीज़ों को भूल गए थे, लेकिन जब ये जो महिला है स्पिरिचुअल महिला, इनसे आपकी जब मुलाकात होगी, जब बात होगी, तब आपको सडनली वो सारी चीज़ें फिर से एकदम ऐसा लगेगा कि अभी कल ही हुआ था ये चीज़, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले मंथ से और अक्टूबर नवंबर के मंथ से आपको ये इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे, जैसे ही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मैं बता रही हूँ, जो एक संघर्ष के बाद जो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करते रहेंगे या आप
के मन में, आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न चलते रहेंगे जिसका उत्तर आप ना तो अपनों से ना तो किसी दूसरों से आप पूछ सकेंगे। तब आपके लाइफ में इन महिला का किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होगा, किसी भी प्रकार से एंट्री होगा। और ये पूरी तरीके से हम देखते हैं साईं बाबा जी का माध्यम, पूरी तरीके से आपका कर्म है, आपके जो नेक कर्म है, आपके जो रेस्पेक्टेड, जो सम्मानित, जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा है आपके ऊपर कि आपकी मुलाकात किसी भी प्रकार से इन महिला से होगी। चाहे आप इनसे मिले हो या ना मिले हो, आपको इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसके बाद सडनली आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका जो लाइफ पर्पस है वो स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के बाद आपको पता चलेगा। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मुझे ये इंट्यूशन सारे, आपको इन महिला का जो है ना मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है और पिछले कुछ मंथ से आप ये इंट्यूशंस आपको आ रहा है ड्रीम के द्वारा। आप जो भी चीज़ें आप प्रश्न करते हैं ना रात में सोने के टाइम, तो इनके बारे में मैं एक थोड़ा सा मुझे आ रहा है ये मैं बताना चाहूँगी कि इनके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ठीक है, इनका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट है, इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर येलो वाइट और मुझे इनका ऑरा ना अभी नज़र आ रहा है पर्पल। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हाई उच्च लेवल की ये महिला इनका, मतलब आपको लगेगा भले नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप इनसे बात करेंगे आपको इतने सारे नॉलेज आपको प्राप्त होंगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। ये इस तरीके से आपको आपका लाइफ पर्पस प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, उसमें आप किसी भी प्रकार से मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन से संबंधित, या मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना एक अंदर से ना एक इच्छा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि एक प्रबल इच्छा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखें, ओकल्ट हो गया या ओकल्ट साइंस हो गया, इसके तरफ ना आपका झुकाव बढ़ रहा है जब से आप इन महिला से, मतलब इन बहुत ही मैं सम्मानित स्पिरिचुअल कहूँगी उनसे जब से आप मिले हैं या बात की है, तब से आपका जो ये जो है ना ये बचपन से आ रहा है आपके माइंड में, ये पहले से ही था लेकिन सडन वो जो है ना फिर से उभर गया आपका, क्योंकि आपका जो लाइफ पाथ है कहीं ना कहीं आपके एंसिस्टर जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा है कि आपकी मुलाकात इनसे हुई और सडन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ बहुत ही, मतलब आपका जो लाइफ पर्पस मुझे लग रहा है यही है, इससे आप लोगों की भलाई का कार्य करेंगे। आगे जाकर आपकी एज कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी एज जो भी हो एक पीरियड के बाद, एक समय टाइम पीरियड के बाद आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में परमात्मा जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे ना आपके सामने में इनका चेहरा आएगा और आपको इनसे मार्गदर्शन फिर प्राप्त होते रहेगा, बीच बीच में आपको इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेगा। आप में से कुछ लोग ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ लिखते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो पोयम हो चाहे वो कुछ भी ऐसा आप लिखेंगे जिससे आपको, मतलब आप जो भी लिखे रहेंगे या जो भी आप क्रिएटिविटी करेंगे ना वो उसका जो प्रभाव है बहुत लोगों के ऊपर पड़ेगा ये आने वाले समय में। जैसे मैंने कहा कि ये आपका जो लाइफ पर्पस, मुझे आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है, क्योंकि लाइफ पर्पस होता ही इसलिए है कि बहुत सारे लोगों से जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप एक तो ओकल्ट की तरफ आपका झुकाव होगा और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा लिखेंगे, ये अभी नहीं होगा लेकिन थोड़े समय के बाद होगा, और जिसमें आपको किसी का जो प्रेरणा, किसी का साथ प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहीं पर, मैं यही सोची थी कि मैं इसको आपके लिए यहीं पर ही सफल करूँगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। आप लोग बताइएगा जैसा भी आपको लगता है, मैं बीच बीच में ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए सक्सेस, ठीक है, अब देखिए जो मैंने, देखिए सोर्स, अब आप खुद ही देखिए आपके सामने निकाल रहे सोर्स ये हैं जो डिवाइन जी की कृपा है आपके ऊपर के ये इन पर्सन से आप मिले हैं। तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आप देख सकते हैं आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे
और आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, इसमें आप कहाँ से मार्गदर्शन ले। आप जब भी कुछ सर्च करते थे या जब भी कुछ, तो आपको आपके जो भी आप सोच रहे हैं उसके मन के हिसाब से, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ में ना संतुष्ट नहीं होते थे, किसी भी उत्तर में संतुष्ट नहीं होते थे या नहीं होंगे, तब आपकी लाइफ में इनकी एंट्री होगी। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तब आपके लाइफ में आप देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इन पर्सन से मिल चुके हैं 5 मंथ पहले, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है, और कुछ लोग 5 मंथ के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज होगा, इतना ज़्यादा चेंज आपके लाइफ में आप देख सकते हैं। आप फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। आप अपने उद्देश्य में, देखिए आप अपने मटेरियल लाइफ में तो बहुत अच्छा करेंगे, पर्सनल लाइफ में, और साथ साथ आप अपने उद्देश्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जो, क्योंकि लाइफ पर्पस है, वो इसी वजह से ही ये इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस, इतना ज़्यादा आपको निगेटिविटी फील इसीलिए कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि ये सही समय आता है ना। तो ये जो सही टाइम, डिवाइन टाइम जब ये आएगा, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, और उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा और एक सक्सेस। 6 मंथ, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसी ईयर में 2022 में आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है, या आने वाले 6 मंथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात इनसे होगी। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ये सोर्स है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। अब ये कोई भी हो सकती है, ये हो सकता है कि आपके घर से ही कोई हो, ये हो सकता है कि कोई जो भी है, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। इनका ऑरा मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे इनका ऑरा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए, आपका जो लाइफ पर्पस है वो दो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तो राइटिंग में नज़र आ रहा है, एक तो ओकल्ट में। आप बहुत कुछ करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। तो जिन्होंने सेकंड जो पाइल है वो सेलेक्ट किया है, तो ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा ना मतलब भावनात्मक उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रेस कहेंगे, तनाव, कि मेरा जो ये रिश्ता है किसी से भी, तो वो अच्छे से चल क्यों नहीं पाता। आप ये सोचेंगे कि बाकी लोगों का जो रिलेशन है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ना ओवर पजेसिव, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, ओवर पजेसिव आपको लगता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सिचुएशन है, पास्ट लाइफ से आपका जो सोचने का जो तरीका है वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी है इसकी वजह से ही आप ओवर प्रोटेक्टिव अपने जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए, और यही आपका कहीं ना कहीं ये आपका सोल मिशन रहेगा आगे आने वाले समय में। आप में से कुछ लोग वॉरियर हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे भले ही ऐसे फील्ड में ना हो, लेकिन आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये अभी इंट्यूशन आ रहे, या तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी ऐसे फील्ड से हैं जो कहीं ना कहीं जैसे प्रोटेक्शन का कार्य किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में आप लोगों की मदद करेंगे। अब हीलिंग किसी भी प्रकार से होती है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ से संबंधित भी कोई ऐसा वर्क होगा आपका, जो आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस पास्ट से आ रही है, तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं दूसरों को, लोगों को प्रोटेक्ट करना। अब वो किसी भी फील्ड से आप लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे, और बहुत ही दिल से, बहुत ये जो आपका कार्य है एक मतलब सोल से आता है ना, जैसे हमारा जो सोल पर्पस होता है ना, वो हम नॉर्मली जो भी कार्य करते हैं उससे थोड़ा सा अलग, हम उसको एक अलग ही लेवल में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है कि हमको ये कार्य करना है। ये कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है परमात्मा जी की। यही कारण है कि आपके लाइफ में बहुत बार आप अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि क्या मैं इनको किस तरीके से सुरक्षित करूं। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप और आपके जो भी चाहने वाले, जो भी लव्स वन हैं, आपके लिए मार्गदर्शन है कि परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है और आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। कहीं ना कहीं आप में से किसी ना किसी के, जो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं
वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस ये जो लाइफ पर्पस है, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपके एंसिस्टर से ही आ रहा है ये, कहीं ना कहीं आपके पास्ट से संबंधित जो मुझे लग ही रहा है। लेकिन आपके एंसिस्टर्स भी इस तरीके से थे कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखे हैं, और आज भी उनकी कृपा आपके साथ है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड आया है देखिए आप, न्यू मून इन कैंसर। ये लग रहा है मुझे कि बहुत जल्द, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इस बीच में ना, पहले अभी आपको हो सकता है कि ये गाइडेंस आपके लिए सही समय में आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको, जब आप गहरी नींद में रहते हैं ना, तब आपको कुछ कुछ अलग फील होता है। आप जो ड्रीम देखते हैं वो आपको ड्रीम जैसे नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो रियल में हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे 5D नज़र आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग हाई स्पिरिचुअल बींस हैं, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं कि आप 5D में कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ महसूस कर रहे हैं और उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये एक चीज़ आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अभी लाइफ पर्पस की रीडिंग करें, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप बिल्कुल उनको प्रेयर कीजिए। और जब आप रात को सोते हैं तो आप अपने एंसिस्टर्स को और जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आप मतलब आराम किया कीजिए रात में। तो जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे उनको आप सुबह अच्छे तरीके से डिकोड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इससे आपको आगे आने वाले समय में अपने लाइफ पर्पस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वन बाय वन पता चलेगा। देखिए, मुझे फर्स्ट में बहुत अलग आ रहा था एनर्जी, सेकेंड में मुझे ऐसा लग रहा है, आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ पर्पस के करीब आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही ऐसा है कि आप खुद ही मतलब पहले से ही आप उस लाइफ पर्पस को जीते हुए आए हैं। ठीक है, तो वो आपका लाइफ पर्पस रहेगा, तो वो आपको खुद ही आपका इंट्यूशन गाइड करेंगे और वो आपका सोल आपको खुद ही बताएंगे कि आपका जो सोल मिशन है वो क्या है। पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। हम आपके लिए कार्ड देखते हैं। उम्मीद है कि आपको, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत प्रश्न है, मुझे यहाँ पर ऐसे जो है ना नज़र आ रहा है। देखिए, आपके लिए पॉलिटिक्स का कार्ड इसलिए आया है कि कुछ ऐसी सिचुएशन तो है, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो जिससे आप बाहर निकलेंगे और वो आप करेज करेंगे। मतलब आप किसी चीज़ के लिए ना, देखिए यहाँ पर डर भय मैंने बताया आपको कि आप क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके मन में एक अलग ही तरह का ना मतलब डर है, और वो जो डर है ना, मैं जैसे बता रही हूँ पहले से आ रहा है, तो इस डर से आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। इस डर को आप छोड़ देंगे, जैसे ही आप इस डर को छोड़ेंगे, देखिए न्यू विजन जैसे आपके सामने में ही पूरा निकाल रही हूँ, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशंस होगी। और जैसे ही मैंने जैसे उपाय बताया है, आप ये करते हैं और फिर उसके बाद आप अपने ड्रीम को डिकोड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो जिस भी चीज़ का आपको डर है, ठीक है, कुछ चीज़ों का आपको डर है आपके मन में, वो जो डर है धीरे धीरे वो समाप्त होते जाएंगे और आप अपने लाइफ पर्पस के और भी ज़्यादा करीब आते जाएंगे। न्यू विजन, कहीं ना कहीं आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी, एक नई दृष्टिकोण आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप करेज करेंगे, ठीक है, इन डर से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ऑलरेडी आपके जो एंसिस्टर्स हैं, ऑलरेडी जो आपके बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही सम्मानित आपके एंसिस्टर्स हैं और परमात्मा जी की कृपा आपके साथ बहुत ज़्यादा है। आप बस ये प्रार्थना कीजिए कि आपके मन में या आपके माइंड में जो भी बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो या बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ का, किसी चीज़ के खोने का, किसी चीज़ का, ये जो डर है ना वो आपके मन से निकल जाए, इसके लिए आप प्रार्थना किया कीजिए। और आपके लिए मैं बिल्कुल स्पेशल कहूँगी कि आप श्री हनुमान जी की शरण में पूरी तरीके से रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आप श्री हनुमान जी की शरण में रहेंगे, आपके मन से जब डर हटेगा, आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। क्योंकि आपके लिए लाइफ पर्पस मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअल और बहुत ही मतलब ना कनेक्टेड फील करते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इस जगह में मैं पहले कभी आया हूँ, ये वाला कार्य मैंने पहले कभी किया है, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें हीलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप और कुछ लोग मुझे सुरक्षित वॉरियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही अपने लिए इतने ज़्यादा मतलब एक योद्धा हैं आप। ठीक है, तो आप
आपके मन से ये सारी चीज़ें जो पास्ट की मेमोरी हट जाएंगी, उसके बाद आपके लाइफ में आप बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे अपने लाइफ पर्पस के। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए तो बिल्कुल आप प्रार्थना कीजिएगा, श्री हनुमान जी की कृपा से आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड पाइल के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। मुझे ये अभी इंट्यूशंस हुआ परमात्मा जी की कृपा से, इसलिए ये रीडिंग आप लोगों तक आई है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।